जय हिंद सभी फौजी पेंशनर बंधु, मुझे उम्मीद है आपका पेंशन निरंतर रूप से निर्बाध रूप से आ रहा होगा, चाहे स्पर्श से हो या बैंक के द्वारा हो। आज एक खुशखबरी लेके आया हूँ, ओआरओपी 3 का धमाका। आप सब इसे अब तक धमाका की गूंज आप तक पहुंच चुकी होगी। आज उस धमाका में एक और बेहतर माइलस्टोन तय किया है, चूंकि DSW ने अपना पॉलिसी लेटर जारी कर दिया था और उसी पर आधारित PCDA प्रयागराज ने सर्कुलर भी जारी कर दिया, तो यह हम लोग के लिए बड़ा ही खुशखबरी है। सर्कुलर नंबर है 677, डेटेड 6 सितंबर 2024। इस सर्कुलर के जारी होने के बाद हम लोग का फाइनेंशियल एक्टिविटीज अब प्रारंभ हो जाएंगे। यही सर्कुलर का कॉपी स्पर्श के प्रोग्रामिंग टीम के पास पहुंचेगा और वो अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर देंगे, बेसिक चेंज करना शुरू कर देंगे। यही सर्कुलर CPPC के पास जाता है, वहां के लोग उनके बैकेंड से उस प्रोग्राम को, उस बेसिक को रिवाइज करना शुरू कर देंगे। यही DPDO के पास जाएंगे या और भी पोस्ट ऑफिस, और भी कोई PDA हैं, पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी, इन सब के पास सर्कुलर जाएगा और उनकी कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। यानी कि अब हम लगभग 100% उम्मीद कर सकते हैं कि सितंबर माह का जो हमारा पेंशन आएगा वो ओआरओपी 3 से के कारण बढ़ा हुआ आएगा और जुलाई और अगस्त माह का एरियर के साथ आएगा। यह भी संभव है कि जुलाई और अगस्त माह का जो 2 महीने का एरियर है, यह सितंबर माह में ही, बीच में ही, उसके सैलरी से पहले भी पेंशन क्रेडिट की जा सकती है, ऐसी भी कयास लगाई जा रही है। तो हम सबों के लिए यह सचमुच एक बड़ा खुशखबरी है। ये अलग बात है कि हमारे लिए कितना कम मात्रा में आया, ज्यादा मात्रा में आया, कितनी विसंगतियां आई, ये सब अलग है। तत्काल मैं इस वीडियो में, मैं जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर मेरे चैनल को आप फॉलो कर पा रहे होंगे तो देख पा रहे होंगे कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाता हूं और यह वीडियो भी थोड़ा लंबा होने वाला है, जहां की आपको धैर्य रखने की आवश्यकता होगी। कई लोगों का कंप्लेन होता है कि लंबा है, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि छोटा वीडियो मुझसे बन नहीं पाता और लंबा वीडियो ही मैं बनाता हूं। ये डिटेल्ड वीडियो है, हर रैंक का मैं डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं और इस वीडियो में आप पाएंगे सूबेदार मेजर साहब, जो कि हाईएस्ट रैंक होते हैं ओआर में, जेसीओ में, उनके सूबेदार मेजर के ACP रैंक, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन और हमारे NC बंधु, इन 5 रैंक का मैंने यहां जिक्र करूंगा डिटेल्ड। तो आपसे मेरा आग्रह यही है कि अगर आप डिटेल्ड वीडियो नहीं देख पा रहे हैं तो अपने साथ कुछ अपने प्रिय खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आप रख लीजिए। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अब मैं अपनी वास्तविक यात्रा आप सबों को समर्पित करते हुए प्रारंभ करता हूं और हमारी आगे की यात्रा ओआरओपी 3 के धमाका की यात्रा प्रारंभ हो। इससे पहले मैं नरेंद्र कुमार, वेलनेस कंसल्टेंट, एंटरप्रेन्योर, ट्रेनर, अपना परिचय देते हुए आप सबों से विनम्र आग्रह भी करता हूं कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सगे संबंधियों के साथ साझा करें। और अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई शिकायत है, कोई समाधान चाहते हैं, आप कमेंट के जरिए लिखिए, मैं यथाशीघ्र आपको समाधान देने का, बताने का, सूचित करने का प्रयास करूंगा। आप अपना मोबाइल नंबर भी दे सकते हैं ताकि मैं, अगर संभव हो सके तो मैं कॉल बैक करके आपको बता सकूं। आपके सब्सक्रिप्शन से, आपके सपोर्ट से हमारा चैनल को भी आपकी तरह ही विकास और वृद्धि का एक शुभ अवसर मिलता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे और हम आपके लिए एक बड़ी सी बड़ी टीम लेके, जो कि बेहतर एडिटिंग कर सके, ज्यादा से ज्यादा प्रामाणिक अध्ययन कर सके और फिर मैं आपको वह जानकारी जो आपको सुदृढ़ बनाए, सशक्त बनाए, जो आपको बेहतर नॉलेजेबल बनाए, इसके लिए करें। और हम, मैं फिर से क्षमा प्रार्थी हूं, हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है, क्योंकि यह एनालिटिकल वीडियो है। तो आइए अब मैं प्रारंभ करता हूं इस वीडियो का प्रमुख हिस्सा से।
जैसा कि आप सब अभी तक देख पाए होंगे कि यूआरओपी 3 का यह धमाका का सीरीज है, जिसमें मैंने बड़ा ही बुनियादी अपने ओआरओपी के इतिहास को कवर किया था, इसके माइलस्टोन वेरियस स्टेज थे उसको कवर किया, सेलियंट फीचर्स कवर किया, इसके क्या लाभ हैं ये सब कवर किया। तो यहां मैं ये जस्ट एक रिकैप के तौर पर मैं दिखाना चाहूंगा। यह जो ओआरओपी 3 है मित्रों, 1 जुलाई 2024 से हम लोग के लिए अफेक्ट हो रहे हैं, और जो भी इस डेट से पहले यानी कि 30 जून 2024 तक जो भी रिटायर हुए हैं ये सब इसके लाभार्थी बनेंगे। आपको अभी तक जो माइलस्टोन है इसमें आपको देखना पड़ेगा कि यूआरओपी 1 की शुरुआत 555 सर्कुलर से हुआ था, जो कि 1 जुलाई 2014 से हमारे लागू हो गए थे, 4 इंस्टॉलमेंट में इसके आए थे हमारे एरियर। उसके बाद ओआरओपी 2 आया था 666 सर्कुलर लेकर, जो कि 1 जुलाई 19 से लागू हुआ था और 4 इंस्टॉलमेंट इसमें भी हुए थे, और वीर नारियां या एवार्डी को सिंगल एक मुफ्त लमसम में दिया गया था। चौथा जो अभी है माइलस्टोन अप्रूवल, ओआरओपी 3 को कैबिनेट से अप्रूवल मिल गया था, एमओडी से नोटिफिकेशन कर दिया गया, इसके फाइनेंस डिवीजन ने अप्रूव कर दिया, डीएसडब्ल्यू ने विस्तार में टेबल जारी कर दिया, और अब सर्कुलर भी जारी हो गया। ऐसी कयास लगाई जा रही थी कि 555, 666, 777 आएगा, पर 777 नहीं, 677, सिर्फ एक लेटर का अंतर है, यह सर्कुलर याद रखिए, 666, 777, यही सर्कुलर जो कि 6 सितंबर 24 का डेटेड है, इसी से हमारा अब आगे का पेंशन का बेसिक पेंशन वो तमाम प्रकार की ये सब रेगुलेट होंगे। जैसा कि अब मैंने बताया है कि एरियर शीघ्र ही आप उम्मीद कर सकते हैं, बिफोर सितंबर इंड, मिड में भी हो सकते हैं और पेंशन के साथ भी हो सकते हैं। सेलियंट फीचर इसमें हमने बता ही चुका हूं कि 5 साल, हर 5 साल पर यह ओआरओपी आता है। इसको बेहतर बनाने के लिए 121 टेबल्स हैं, इसमें 265 पेजेज हैं। यह सभी कैटेगरी के ओआरओपी 3 जो रिटायरिंग है, सर्विस है, स्पेशल है, डिसेबिलिटी है, वार इंजुरी है, इनवैलिडेटेड आउट है, ऑर्डिनरी, स्पेशल, लिबरलाइज फैमिली पेंशन लागू हो रहे हैं, और इसमें कमीशनड ऑफिसर, ऑनरी कमीशन ऑफिसर, जेसीओ, अदर्स, एनसी सबको कवर किया जा रहा। किसके किसके? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डीएससी, टेरिटोरियल आर्मी, इसमें डिस्चार्ज भी हैं, रिटायर्ड भी हैं, इनवैलिडेट आउट है, डाइड हैं या तो सर्विस में। यहां किन्हीं के लोग जो एक्सेप्शन है इसमें, जो प्री मैच्योर गए हैं 1 जुलाई 2024 में, इसमें फायदा नहीं मिलेगा। जब से ओआरओपी 1 आया यानी कि 1 जुलाई 2014 के बाद अगर कोई अपनी मर्जी से प्री मैच्योर गए हैं अपने रिक्वेस्ट पर, तो वो इसके एम्बिट में कवर नहीं होंगे। एक चीज और यहां जो मुख्य बातें हैं, किसी का भी पेंशन घटकर नहीं मिलेगा, चाहे टेबल में आप माइनस भले देख पाएंगे, किसी भी पेंशनर का या फैमिली पेंशन का घटके नहीं मिलेगा, आपके डिसएडवांटेज में रिवीजन नहीं होगा। यानी कि ओआरओपी 2 के कारण या ओआरओपी 1 के कारण या 7CPC के कारण या कोई नोशनल कोरिजेंडम PPO आया है जिससे कि बढ़ा हुआ है, तो आपको घटकर नहीं आएगा, यह बात आप जान लीजिए। एप्लीकेबिलिटी जैसा कि मैंने बात कर ही लिया, सारे डिफेंस पेंशनर, फैमिली पेंशनर, सिविलियन यहां इसके एम्बिट में नहीं आ रहे हैं। यहां जो एप्लीकेबिलिटी है हमारे डिफेंस के तो सब हुए ही, इसके साथ साथ डीएससी भी हैं, टेरिटोरियल भी हैं, एक्स स्टेट फोर्सेस भी हैं, और नॉन एप्लीकेबिलिटी में हमारे PMR जो प्री मैच्योर रिटायरमेंट लिए हैं, एक्स ग्रेसिया वाले हैं, रिजर्विस्ट हैं, पाकिस्तान बर्मा आर्मी पेंशनर जो अभी भी PCDA अलाहाबाद दे रही है, ये सब नहीं है, ओन रिक्वेस्ट वाले ये सब नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन मेथोडोलॉजी बहुत ही बारीक से आप सबों की समझने की आवश्यकता है। यहाँ मुख्यतः 3 पैरामीटर्स को लिया गया, आपका रैंक, आपका ग्रुप, आपका क्वालिफाइंग सर्विस, और यही तीनों पैरामीटर्स को यूज करते हुए 2023 के कंप्लीट ईयर में कितने लोग रिटायर हुए, उसका क्या मैक्सिमम वैल्यू था और क्या मिनिमम वैल्यू था, इसी के एवरेज को यहां फिक्स करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, हालांकि यह एक त्रुटिपूर्ण फॉर्मूला है जिसमें कई लोगों का अधिक क्वालिफाइंग सर्विस होने के बावजूद भी बहुत ही कम
चार साल पांच साल क्वालिफाइंग सर्विस वाले के भी बराबर दिखाया गया है, जो कि उन्हें उदास करता है, हतोत्साहित करता है कहीं ना कहीं, जो कि नहीं होना था। इसी तरह से हायर रैंक को भी उनके जो तवज्जो मिलने थे, जो वेटेज मिलने थे, वो वेटेज नहीं मिले हैं। यह भी देखा गया कि लोअर रैंक के बराबर मिल रहे हैं या कई जगह तो उनसे कम भी मिल रहे हैं, जो कि एक विसंगतियां हैं। इसी तरह से कई लोगों का रिवीजन हुआ ही नहीं, पिछले 10 साल से कयास लगा के बैठे हुए थे कि जब भी वो आरोपी आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, लेकिन कुछ भी लेकर नहीं आया, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जो सर्विंग पर्सनल है, जो सेवा में है, उनका तो पेमेंट बढ़ ही रहा, तो फिर पेंशन पर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ऐसा कौन सा फैक्टर आ गया जो कि उस रैंक को, उस ग्रुप को, उस क्वालिफाइंग सर्विस में बढ़ोतरी नहीं हुआ? तो यह भी एक विसंगतियां हैं। तो मुख्य जो इनके मेथोडोलॉजी है, मेथोडोलॉजी ही त्रुटिपूर्ण है, इस पर काम करना पड़ेगा। चलिए, अभी तो रिलीज हो गया सर्कुलर, अभी बहुत लंबी युद्ध है, हमने देश के लिए लड़ा, अब खुद के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए क्या क्या हमारे पास लीगल रिकोर्सेस हैं, क्या क्या रिमेडियल एक्शंस हैं, ये सब हम आगे की वीडियो में बात करते रहेंगे। तत्काल इस मेथोडोलॉजी में यह देख लीजिए कि जो भी मैटर्स हैं, जो पॉलिसी मैटर हैं, वो आरोपी टू में थे, वो आरोपी वन में थे, यह सब एज इट इज ही रहेंगे। अगर कोई चेंजेज आए हैं तो उसकी डिस्क्रिप्शन यहां दी गई है वो आरोपी थ्री में, जो कि बेयर मिनिमम ही है, यानी कि वो आरोपी वन, वो आरोपी टू का ही ये सक्सीडिंग वर्सन है। इसमें कोई बहुत ज्यादा अमूल चूल परिवर्तन नहीं है, अदर देन टेबल और अप्लीकेबिलिटी डेट। अप्लीकेबिलिटी डेट जैसा आप समझ ही पा रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 हो गया, यही अमूल चूल परिवर्तन है। बाकी टेबल में थोड़ा बहुत चेंजेज किए हैं, जो कि हम आगे विस्तार में बात करेंगे। मैं अपने इस वीडियो में मुख्यतः, जैसा बोला SM साहब जो सुबेदार मेजर हैं, ऑनरी रैंक्स जो है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर एयरफोर्स के, और NC, ये चारों को ही कवर करूंगा। लेकिन यह कवर करूं इससे पहले मैं यह उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ लोग नहीं देख पाए हो सब वीडियो, तो यहां मैं क्विक रिकैप करूंगा, जो कि मैं अभी तक क्या क्या कवर किया यह सब भी आप जान लीजिए। तो मैंने सिपाही रैंक का इक्विवेलेंट, उसके जो AC होते हैं एयरफोर्स में, सीमैन होते हैं नेवी में, ये सब का हमने 10 साल तक दिखाया, जहां की या तो निगेटिव है या बहुत ही कम अंतर हुए हैं। जब हम 10 से ऊपर जाते हैं तब भी यहां करीब 12 इयर्स तक आपको बहुत ही कम अंतर दिखेगा, खासकर ये निगेटिव ग्रोथ है। जब हम 12.5 में जाते हैं तब जाके बढ़ता है, और 14.5 से एक्चुअल बढ़ोतरी दिख रहा है एक्स ग्रुप वाई ग्रुप। आप अगर इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस रैंक में अभी रुचि रखते हैं, इस रैंक से ही रिटायर हुए हैं, तो इस स्लाइड का आप स्नैपशॉट ले लीजिए। मैंने अपना तस्वीर काफी छोटा कर लिया है, आप बड़ा से बड़ा टेबल का हिस्सा ले सकते हैं और अपना देख सकते हैं कि आपका क्वालिफाइंग सर्विस क्या है। यहां मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि क्वालिफाइंग सर्विस का राउंडिंग ऑफ किस तरह से होता। आप यहां देख पा रहे होंगे 10.5 इयर्स, 10.5 इयर्स में वे लोग कवर होंगे जो कि 10 से ज्यादा हुए हैं, सिर्फ 10 से ज्यादा नहीं, 10 इयर्स 3 मंथ्स अगर किन्हीं का हुआ है और उससे एक दिन भी ज्यादा है तो 10.5 में आएंगे, और इसी तरह से 10 इयर्स 9 मंथ्स तक भी अगर हैं तो 10.5 में 10.6 में ही कहलाएंगे। ठीक है, यानी कि यह कहने का 6-6 महीने का ब्रैकेट है, लेकिन अगला 3 महीना जो है उससे एक दिन भी ज्यादा होगा तो आप ऊपर वाले में चले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ही इसका फिलॉसफी लिया गया। सपोज कोई अगर 9 इयर्स और 10 मंथ्स किए हैं तो उनका 10 में होगा। 3-3 महीने के ब्रैकेट से अगर एक दिन भी आपका ज्यादा हो रहा तो आपको एडवांटेज दिया जाएगा, और 3 महीने से अगर कम आ रहे तो फिर नीचे वाले ब्रैकेट में आएंगे। तो यह फिलॉसफी है राउंडिंग ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। यहां आप ग्रुप देख रहे होंगे, अभी तक आपने अगर सेवा में पिछला 20 साल 25 साल रहे हैं, छोड़े हैं, तो आपको पता होगा कि पहले क्या क्या ग्रुप होते थे। एज ऑफ नाउ एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप दो ही एग्जिस्टेंस में है। मैं ये सब टेबल को
विस्तार में ज्यादा विश्लेषण में नहीं जाऊंगा। पहला कारण तो यह है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। दूसरा यह कि यहां सिपाही जो कि 20.5 में बहुत कम लोग, एक्सेप्शनल ही होंगे कोई, वो इसमें जाते होंगे, या तो पहले चले जाएंगे या हाइयर रैंक में जाएंगे। यहां ऑनरी रैंक है, यहां भी आप देख लीजिए कि 10 ईयर्स तक कोई ज्यादा इजाफा नहीं है। ये सब मेडिकल बोर्ड आउट वाले ही इस क्वालिफाइंग सर्विस में होते हैं। यहां मुख्यतः 14 से 15 से जाना शुरू करेंगे, नेवी में 15 से जाना शुरू करते हैं, जो कि अच्छा खासा यहां दिख रहा है इजाफा, एक्स में भी और वाई में भी आप यहां देख पाएंगे। मैं इस डिटेल्ड वीडियो में ORP 3 - ORP 2 किया हूं, यहां डिफरेंस दोनों एक्स वाई ग्रुप को दोनों साथ साथ लेके चला हूं। यहां आप देख लीजिए कि सारे वैल्यू एक्स और वाई के लिए सेम लेके चला गया है ऑनरी नायक के लिए। इसी तरह से 2890 जो कि बिल्कुल ही ट्रिकी फिगर, मैजिक फिगर दिख रहा है, इसमें कोई जाएंगे नहीं। यहां आप नायक जो कपल होते हैं या लीडिंग सीमैन कह सकते हैं नेवी में, यहां 10 साल तक बाकी पूर्वज जो टेबल था उसमें भी यही चीज था, निगेटिव वैल्यू था, यहां भी 10 साल तक निगेटिव वैल्यू ही दिख रहा। 10 के बाद भी यहां नायक में 17 साल तक भी अगर कोई गए हैं एक्स ग्रुप में तो माइनस ही है, और यहां पॉजिटिव हुए हैं वाई ग्रुप में 16.5 से। तो आर्मी के अधिकतम लोग इस ब्रैकेट में जाते हैं, 17 से स्टार्ट हो जाता है उन लोग का, तो 1381 स्टार्ट हो रहा है जो कि अच्छा खासा है। अगर एक्स ग्रुप में कोई जाते हैं कपल में ही तो 2075 तक मिल रहा है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा। और यहाँ फिर से ट्रिकी है, अगर कोई 21.5 तक नायक में जा रहे हैं तो 2075, लेकिन उसके बाद 4025 है। मुझे नहीं लग रहा कि इस कैटेगरी में कोई जाते होंगे जो कि इतना बड़ा लाभ ले पाएंगे। इसी तरह से यहाँ भी वाई ग्रुप में 1881 तक दिया गया है, बहुत ही कम होंगे। ऑनरी हवलदार के लिए भी इसी तरह से 10 तक में माइनस है, तो माइनस वैल्यू पर मैं विस्तार में बात बिल्कुल ही बात ही नहीं करूंगा क्योंकि माइनस तो होगा नहीं, उनको फिर ORP 2 का मिलेगा। ऑनरी हवलदार में भी यहां देख लीजिए कि 17.5 से पॉजिटिव होता है। वाई ग्रुप में शुरू से ही थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी है और यहां 16.5 में जाकर 4 डिजिट में बढ़ोतरी प्रारंभ हो जाता है। यहां आप देखेंगे कि किस प्रकार से हर जो जाने वाले हैं एक्चुअल जिसमें ज्यादा जाते हैं उन्हें कुछ ना कुछ देने का प्रयास किया गया है। अभी आप आगे देखिए हवलदार एंड इक्विवेलेंट, जिसमें कि जिसे कि अपने फौज का जो हवलदार हैं, सार्जेंट हैं, पेटी ऑफिसर, बैकबोन माना जाता है क्योंकि ये मिडिल में आते हैं, काम भी करते हैं और सुपरवाइज भी करते हैं, ये मल्टी फेसेटेड होते हैं, इनकी जो भूमिकाएं होती है बाकी सबसे काफी अधिक होता है क्योंकि इनसे उम्मीद की जाती है ये बिल्कुल काम करे, रैंक एंड फाइल स्ट्रक्चर का रैंकर हो और फिर कहीं सुपरवाइज करने की जरूरत हो, क्योंकि एक अच्छा अनुभव होता है इनके पास, 15 साल 20 साल 22 साल का भी अनुभव होता है, तो इनसे सुपरविजन की भी उम्मीद की जाती है, तो ये बैकबोन माना जाता है। और इसी रैंक में सबसे ज्यादा रिटायर होते हैं, यह भी एक विचारणीय विषय है क्योंकि इन्हें जो अप्रोप्रिएट सम्मान मिलने चाहिए थे वो कहीं न कहीं नहीं मिल पाती है, और इस वजह से आउटफ्लो जो है हवलदार रैंक का, सार्जेंट रैंक का, पेटी बहुत ही ज्यादा होता है। यहां आप देख पाएंगे कि 10 साल तक जो भी है पूरा एक्स ग्रुप में निगेटिव वैल्यू है। हालांकि 10 साल तक मेडिकल बोर्ड ऑफ कोई हवलदार नहीं बनेगा, डायरेक्ट हवलदार बना है तभी होगा, या स्पोर्ट्स कोटा से, एक्सेप्शनल कोटा से हो सकता है, अदरवाइज नॉर्मल चैनल में 10 साल में हवलदार नहीं बनेंगे। वाई ग्रुप में 3 डिजिट में एटलीस्ट 500 के एवरेज में इजाफा है। इसी तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं एक्स ग्रुप में आप देखेंगे 17 ईयर्स तक निगेटिव ग्रोथ ही है, 17.5 से बढ़ा है और 18 से अच्छा खासा बढ़ने लगा है, और 20 ईयर्स एक्स ग्रुप के जो अधिकतम जाते हैं यहां इन्हें एक सम्मानजनक फिगर दिया गया है 2525, 2525 रुपए का इजाफा दिया गया, बड़ा ही शुभ नंबर है। तो 20 में ही जाते हैं तो यहां जो भी 20 वाले हैं सार्जेंट, इनके लिए बहुत एक नायाब तोहफा मान सकते हैं, और इसके ऊपर DA भी आएगा और शीघ्र ही 8 CPC भी आ रहा है, तो काफी बेहतर कहा जा सकता है। अगर 53% भी DA इसके ऊपर रख लें तो यह फिगर 4000 से ज्यादा होने वाला है। इसी तरह से वाई ग्रुप के लिए भी सब के लिए कुछ न कुछ दिया गया है। यहां तो आप देख लीजिए 13.5 में 2794 दिया गया है,
15 में 206 दिया गया है, यहां थोड़ी सी कमी हुई है इनकी भी। और इनके भी अगर 20 इयर्स में आर्मी जाते हैं, ऐसे 20 नहीं जाते हैं लोग, 24 में जाते हैं, अगर कोई 20 में जा रहे हैं तो 2756 इन्हें भी काफी अच्छा सम्मानजनक फिगर दिया गया है। तो यह तो हवलदार के हो गए। इसी तरह से जैसे हवलदार में कई लोग 24 में जाते हैं आर्मी में अधिकतम और वाई ग्रुप के होते हैं, तो इन्हें अच्छा फिगर मिला, 2506 मिला है। और उससे भी ऊपर अगर जाते हैं जो कि अगला रैंक नायब सूबेदार नहीं बन पाए, हवलदार ही हैं, तो 2618 है। और इसके बाद तो 3325 भी है, 25.5। हालांकि वहां की पॉलिसी ऐसी होती है 24 में ही जाना पड़ेगा इन्हें, या तो नायब सूबेदार बन जाएं या तो चले जाएं, इस तरह कई पॉलिसी। उस पॉलिसी मैटर पर मैं तत्काल बात करने के मूड में नहीं हूं, मैं अभी ये बात करूंगा कि क्या क्या डिफरेंस है। तो एक्स ग्रुप में 21 साल के 2000 डिफरेंस हो रहे, 21 एंड 6 महीने में 2000 का डिफरेंस है। और उसके बाद सेंट्रली इन्होंने पूरे 28 साल जो मैक्सिमम है 1675 का दिया है। तो यहां काफी कहा जा सकता कि हवलदार को मिला है, स्पेशली वाई ग्रुप को तो और भी बेहतर मिले हैं। हालांकि इसके विसंगतियां की बात करें तो पूरा 10 वीडियो भी बनाऊं विसंगतियां पर तो बहुत ही कम पड़ेंगे, लेकिन यहां सिर्फ विसंगतियां को लाना नहीं, हमारा मुख्य काम इस वीडियो के द्वारा यह है कि उस टेबल को एज इट इज आपको विश्लेषण करके बताया जा सके, क्योंकि यह वारोपी अपने आप में एक जटिल विषय है। इस फौजी पेंशनर को समझना जो फौज में होते हैं उनके भी बस की बात नहीं होती है, वहां के अकाउंट ऑफिसर भी, और यहां तो सारे सर्विसेस हैं आर्मी के, इतने वास्ट रेजिमेंट हैं, रैंक हैं, उनके स्ट्रक्चर हैं, अलग अलग पॉलिसी टर्म एंड कंडीशन है, प्रमोशन पॉलिसी, अलग अलग रेजिमेंट टू रेजिमेंट हो जाते हैं, फील्ड में पोस्टिंग हुआ तो क्या प्रमोशन एस्पेक्ट हो जाएंगे, अगर हेडक्वार्टर में रहा तो क्या हो जाएंगे, तो इस तरह से तमाम वो सब इफेक्ट आ जाते हैं। तो ये सब जो DSW में बैठे हुए हैं या जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनकी बस की बात नहीं है, ये सब हम अपने ही कंडीशन का जो है हम ही समझ पाएंगे, हमारे अलावे हमारा दर्द कोई और समझ नहीं पाता, ये हमारी इसमें कमियां हैं। अब इसके लिए तो यही होना चाहिए था कि हर ग्रुप से, हर रैंक से रिप्रेजेंटेटिव होने थे, पर आपको मालूम है कि रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके तो नीचे के बारे में पता ही नहीं होता कि क्या क्या प्रमोशन प्रोस्पेक्ट हैं, किस आधार पर ये किया गया है, तो ये कमियां हो जाती है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप हो जाती है, जो एक्चुअल समस्याएं हैं वो ऊपर तक नहीं जा पाती है, और यहां जब फाइनल मिनिस्ट्री लेवल या नीति तक होती है बहुत बड़ा गैप हो जाता है। उसी की वजह से यहां आप देख पा रहे हो कि ऑनरी नायब सूबेदार जो हवलदार के बाद यहां 10 साल तक बिल्कुल ही निगेटिव ग्रोथ है, हालांकि वाई ग्रुप में थोड़ा सा इन्हें 3 डिजिट में मिला है। इसी तरह से ऑनरी नायब सूबेदार में भी 17 ईयर्स तक निगेटिव ग्रोथ है एक्स ग्रुप में, और उसके बाद थोड़ा सा मिलना शुरू हुआ, वाई ग्रुप में है। अब हम देखेंगे ऑनरी नायब सूबेदार का आगे वाला, आगे में देखिए आप 20 साल से जाने के बाद आपको एक सम्मानजनक मिलता है, हालांकि ऑनरी नायब सूबेदार बहुत ही कम होंगे और इन्हें काफी मात्रा में दिया गया, 3790 दिया गया है, ऐसे बहुत कम होंगे कि इतना हायर सर्विस लेके, और वाई ग्रुप में भी अच्छा खासा इजाफा दिया गया है। ये आर्टिफिशर 3-1 है जो कि नेवी में होते हैं, नेवी के इस कैटेगरी के लोग बहुत कम ही होंगे और सारे निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव को मैं अपने परिचर्चा से बाहर रखता हूँ। यहाँ निगेटिव देख लीजिए कि 17 तक निगेटिव ही है, उसके बाद पॉजिटिव हो रहा है, तो काफी अच्छा। 20 ईयर्स में हवलदार को भी 2525 मिल रहा था, इन्हें भी 2525 का इजाफा हुआ है। इसी प्रकार जब हम 20 से ऊपर जाते हैं तो काफी अच्छा खासा इजाफा है, 1675 जो कि पूरे सेंट्रली है। यहां हमने विस्तार वीडियो, अपना पिछला वीडियो ही नायब सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का बनाया था, जहां आप देख पा रहे होंगे कि 10 साल तक बिल्कुल ही निगेटिव ग्रोथ है, लगभग दोनों साइड ही है निगेटिव ग्रोथ, तो निगेटिव ग्रोथ को बात नहीं करना। यहां निगेटिव ग्रोथ 20 इयर्स तक नायब सूबेदार के लिए, JW के लिए, यानी कि 20 इयर्स में अगर कोई बन गए हैं और तब गए हैं तो उन्हें कुछ भी फायदा नहीं हो रहा है। वाई ग्रुप में हल्का सा फायदा दिख रहा है, 15 साल के बाद फायदा होना शुरू हो जाता है, जो कि 1250 भी है 18 ईयर्स का, तो इस तरह से हुआ है। अब इसके ऊपर जब जाएंगे नायब सूबेदार JW जो ज्यादा सर्विस करके, यानी कि 20 से ज्यादा वाले ही होते हैं यूजुअली,
क्योंकि अगर प्रमोशन लेना है तो इतना सर्विस करना पड़ेगा, तो 20 से ऊपर स्पिल ओवर ऑलमोस्ट सब हो जाते हैं। तो यहां आप देख लीजिए कि तब यहां फायदा होना शुरू हो गया है। एक्स ग्रुप में काफी अच्छा है 1775 करके, 2950 है 24 साल में, जो कि अधिकतम जाते होंगे आर्मी के। फिर 3125 भी है। इसी तरह से डिफरेंस आप देख पाएंगे वाई ग्रुप में भी, वाई ग्रुप में भी अच्छा है, 2000 है, 2075 है, 3050 भी है 27 ईयर्स में। तो कोई एक ऐसा सैंपल इन्हें मिला होगा जो कि 27 साल की सर्विस पूरा करके वाई ग्रुप में गया होगा, अच्छा सैंपल इनको मिला है 27 में, और फिर उन्हें उसका फायदा मिल गया। तो ये एक विसंगतियां का रूप है कि जहां सैंपल मिल गया वहां इन्होंने बढ़ा दिया, जहां सैंपल नहीं मिला या कम मिला तो वहां नहीं बढ़ाया। बढ़ाना घटाना ये हमने सेवा दिया है, अपने राष्ट्र को अपना भरपूर जीवन समर्पित किया है, इसके लिए पेंशन दिया जा रहा है। अगर पेंशन का प्रावधान नहीं होता, इतनी सुविधाएं नहीं होती, समाज में हमें सम्मान नहीं मिलता, तो शायद हमारा निर्णय कुछ और होता, कुछ और कैरियर में हम लोग जाते। अगर आज भी डिफेंस फोर्सेस में लोग जाते हैं तो इसकी सुविधा उन्हें कहीं ना कहीं अट्रैक्ट करती है, उनके जो परिवार के लिए जो सुरक्षा है, जो सारे सुविधाएं दी जाती है, यह भी कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र होता है, यह एक हमारे लिए मोटिवेटिंग फैक्टर होता है। बेहतर पेंशन हो, बेहतर सुविधाएं हो, बेहतर वेतन हो, ये सब तो इसे कायम रखें, तभी हम और भी बेहतर होने के लिए हमारे जो अगली पीढ़ी है यह भी प्रोत्साहित रहे, उत्साहित रहे। हमने पिछले वीडियो में सूबेदार एंड इक्विवेलेंट का वीडियो बनाया था, एक्सक्लूसिव वीडियो, जिसमें कि लोग जो ट्रोलिंग कर रहे हैं सूबेदार रैंक के नाम पर, वह ऐसा नैरेटिव है कि इनका बेड़ा गर्क कर दिया गया। ओ आर ओ पी वन में भी कुछ नहीं मिला, टू में भी नहीं मिला, और थ्री में भी कुछ नहीं। तो ये जो बेड़ा गर्क कर दिया गया, इस नैरेटिव कहां तक सत्य है, कहां तक झूठ है, इसे आप स्वयं देख लीजिए कि यहाँ 6 महीने से लेके 10 साल तक एक्स ग्रुप में पूरे निगेटिव ग्रोथ है, और इतना हायर निगेटिव ग्रोथ तो ये कैसे हो गया, घट कैसे गया। और वाई ग्रुप में अगर पॉजिटिव ग्रोथ है भी तो मात्र 3 डिजिट में है, हवलदार को 4 डिजिट में दिया जा रहा है। यहाँ क्या ऐसी परिस्थिति आ गई कि इतने छोटे छोटे दे रहे हैं। चलिए ठीक है, 10 साल को मैं छोड़ता हूँ सूबेदार, इसके आगे बढ़िए। सूबेदार बनने में 20 प्लस ही करने पड़ेंगे, वारंट ऑफिसर बनने के लिए भारतीय वायुसेना में कम से कम 24 से 25 साल की सर्विस करनी पड़ती है। तो यहां आप देख पा रहे हैं कि अगर कोई 19 साल तक भी जा रहे हैं, बहुत ही कम होंगे मिड कि वो वारंट ऑफिसर बन भी गए और फिर जा भी रहे हैं, तो 19 तक पूरे एक्स ग्रुप में निगेटिव ग्रोथ है। वाई ग्रुप में थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, कोई स्पोर्ट्स कोटा में आए, कोई डायरेक्ट रिक्रूट हुए हवलदार से या डायरेक्ट जेसीओ में, ऐसे प्रावधान हैं, तो यहां थोड़ा थोड़ा इन्हें दिया गया है। अब फिर देख लीजिए कि यहां 18 ईयर्स में 450 है, 16.5 में 700। तो ये जो टेबल है, टेबल देख के ही आपको पूरा इरिटेशन हो जाएगा। मैं इरिटेट नहीं हो रहा हूं, मैं तो प्रवक्ता हूं पर ये जो भी देखेगा ये इरिटेट हो जाएगा कि क्या लॉजिक लिया गया है। अगर 17 ईयर्स में 700 की बढ़ोतरी हो रही है तो 17.5 में कौन ऐसा अपराध कर दिया कि आप उसे जीरो कर रहे हैं और 18 में -450 कर रहे हैं। ये सॉफ्टवेयर के फॉर्मूला एक्सेल में डाल के कर दिया इन्होंने, क्या सैंपलिंग लिया, रॉन्ग सैंपलिंग भी तो हो सकता, आपने सैंपल नहीं मिला तो इसमें वो क्या करेगा, वो सूबेदार क्या करेगा 17.5 वाला, अगर आपके पास सैंपलिंग नहीं उस डे उस पूरे वर्ष में, इस लेंथ ऑफ सर्विस वाला 17.5 वाला कोई रिटायर नहीं हुआ, डिस्चार्ज नहीं हुआ, इसमें उसका क्या दोष है। आपको सैंपल नहीं मिला तो आपने जीरो डाल दिया। आपको सैलरी से लेना है, आपको मालूम है कि सैलरी का आधा पेंशन होता है, तो सैलरी तो मिल ही रहा ना सूबेदार को, घट के तो नहीं मिल रहा, जीरो तो नहीं मिल रहा तो उस सैलरी का आधा कर देना है। जो जो पार्ट सैलरी का पेंशन में दे रहे हैं, बेसिक है, डीए है, जो भी पैरामीटर्स हैं, उन सभी पैरामीटर्स का आधा करके आप यहां फिक्स कर सकते हैं। तो ये तो इलॉजिकल है, या तो इरोनियस हुए हैं या टर्म ऑफ रेफरेंस में ही इस तरह की चूक रही है। तो इस चूक का खामियाजा सूबेदार रैंक को भरपूर उठाना पड़ रहा, यानी कि हम यह कह सकते हैं कि जो मार्केट में अभी ट्रॉलिंग है, सूबेदार रैंक का बेड़ा गर्क कर दिया गया, यह सच होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 20 प्लस, जो कि यूजुअली 20 प्लस में ही सूबेदार जाएंगे, वारंट ऑफिसर जाएंगे,
24 में जाएंगे। अब इन्हें देख लीजिए कि 250 रुपीज का दिया जा रहा है, ये क्या है 250 रुपीज, तो टिप्स जैसा लग रहा है। इतने सर्विस इन्होंने किया, इतने कठोर परिश्रम किया और तब इनको छोटा सा अमाउंट 3 डिजिट में दिया जा रहा है, इससे बेहतर तो सिपाही का दिया जा रहा था। तो इन्होंने सर्विस किया, इनकी सिंसियरिटी पर इन्हें रैंक मिला है, इस चीज को इन्होंने डिजर्व किया होगा, तभी तो सर्विस ने इन्हें इस रैंक से नवाजा है। तो इस चीज को पेंशन में भी रिफ्लेक्शन होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ है, त्रुटिपूर्ण है, और इसमें अथॉरिटी को चाहिए कि संज्ञान ले और इन पर रिवाइज किया जाए इस टेबल को। मैं उम्मीद करता हूं कि हम सबों का सामूहिक प्रयास होगा सूबेदार रैंक के साथ जो किया गया है, ऐसा गलत है, इसे माने अथॉरिटी और सुधारने का प्रयास करें। अब मैं आगे आता हूं जो कि आज का मुख्य बिंदु है। अभी तक तो मैं रिकैप ही कर रहा था, यह मानते हुए कि हमारे कई बंधु जो नहीं देख पाए होंगे वो देख लें, वो समझ लें। अब मैं नए विषय पर आ रहा हूं जो कि हमारा आज का मुख्य विषय है, सूबेदार मेजर एंड इक्विवेलेंट, यानी कि मास्टर वारंट ऑफिसर, मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर, आर्टिफिसर 1 और 2 जो नेवी में होते हैं, इनकी आप देख लीजिए कि क्वालिफाइंग सर्विस 10 साल। तो 10 साल तक तो ये कोई जाते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोई जाते नहीं है तो इनके सैंपलिंग जो कलेक्ट कर रहे थे एक्स ग्रुप में कुछ भी नहीं मिला और ये माइनस में जाते गए, तो चलिए हम इग्नोर करते हैं। ऐसा बहुत ही रेयर होंगे कि कोई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऐसा कोई स्कीम है, SM डायरेक्ट आते हैं और चले भी जाते हैं, मेडिकली पहला तो आते नहीं, दूसरा बात इस क्वालिफाइंग सर्विस तक में बनेंगे नहीं, दूसरा बनेंगे तो मेडिकल वगैरह के कारण ही जाएंगे, तो यहाँ सारे निगेटिव हो रहे हैं। हालांकि वाई ग्रुप में 3 डिजिट में यहाँ इन्हें इजाफा हो रहा है, 437 देख लीजिए 6 महीने में, तो यहां बहुत ही कम होते हैं ऐसे केसेस, तो इस सैंपलिंग पर मैं विचार नहीं कर रहा हूं। मैं आगे बढ़ता हूं और आगे देखिए, यहां देखिए कि 10.5 में यहां भी इनके निगेटिव ग्रोथ ही दिख रहे हैं। यहां देखिए 10.5 एक्स ग्रुप की अगर बात की जाए तो निगेटिव ग्रोथ ऑलमोस्ट 18 ईयर्स तक है निगेटिव ग्रोथ, तो एक निगेटिव ग्रोथ ही पूरा है, तो निगेटिव पर मैं बात ही नहीं कर रहा हूं। 18.5 से शुरू हो रहा 316 रुपीज का इजाफा, 19 में 768 की बढ़ोतरी, 19.5 में 1219 की इंक्रीज हुई है और 20 ईयर्स में थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, बढ़ोतरी हुआ है 1539 का। इसी प्रकार आप वाई ग्रुप में थोड़ा सा बेहतर स्थिति देख सकते हैं कि यहां निगेटिव के बजाय पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कि वाई ग्रुप के कुछ ऐसे लोग हैं जो गए हैं और इन्हें सैंपलिंग मिला है और हर जो बढ़ा हुआ अमाउंट है इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली डिफरेंस, 10.5 में 593, 11 में 602, यानी कि अलग अलग कंडीशन के अलग अलग लोग गए हैं जिनके पेंशन बहुत ही वैरायटी रहे होंगे, वैरायटी बहुत ही ज़्यादा रहा होगा इसलिए इतना वैरायटी यहाँ भी आया फाइनल। इनके इजाफा होने शुरू हुए हैं वास्तविक वाई ग्रुप में 16.5 से 100,090 का इजाफा हुआ। इसी प्रकार 20 इयर्स के अगर हैं तो इनके बम्पर 3,035 रुपीज के हुए हैं। अगला टेबल जो है 20 इयर्स 6 मंथ का, जिस ब्रैकेट में यहां के अधिकतम लोग आते हैं इसी ब्रैकेट में रिटायर होना शुरू करते हैं वास्तविक, तभी ये बन भी पाएंगे सूबेदार मेजर। जो एवरेज केस ले रहा हूं, यहां आप देख पाइए कि एक्स ग्रुप का जो हम देख पा रहे हैं, आप यहां देखिए ये काफी बेहतर है 20 इयर्स में, जो कि अब रिटायर हो रहे हैं। 20 एंड हाफ के लिए 1562 है, 21 के लिए 1106 है, 21 एंड हाफ के लिए 15 है, तो यहां आपको काफी डिफरेंस दिखेगा। 23 के लिए अगेन ये बड़ा ही डिस्करेजिंग है कि 22.5 तक के लिए 1050 है और उससे अगर आपने ज्यादा सर्विस किया 23 से, जो कि यहां इसी ब्रैकेट में ऑलमोस्ट यही जो ब्रैकेट है इसमें लोग जाते हैं और यहां बहुत ही कम कर दिया गया है। ये देखिए यहां आप देखेंगे टोटल निगेटिव वैल्यू में कर दिया गया है,
क्योंकि इनकी जो मैक्सिमम है कैपिंग कर दिया गया 32,000 पर, इसके वजह से पूरा निगेटिव वैल्यू यहाँ आ गया। यहाँ 34 भी किया गया है तो निगेटिव वैल्यू है। तो ये सब पूरी विसंगतियाँ हैं। हम कयास लगा के बैठे थे कि हमारा बढ़ेगा, ये क्या है कि और घट के आ गया। हालांकि यही चीज़ अगर आप देखेंगे डिफरेंस वाला वाई में, तो वाई ग्रुप में काफ़ी अच्छा इजाफा यहाँ मिला है, जिन्हें कि 20.5 में 3,500 है, 3,308 है, तो यहाँ काफ़ी अच्छा अमाउंट इन्हें दिया गया है 24 ईयर तक। अब देख लीजिए कि क्या लॉजिक है कि एक्स ग्रुप को निगेटिव में है, वाई ग्रुप का इतना पॉजिटिव हो गया। तो ये महज सैम्पलिंग है, ये तो हमें लग रहा है कि आगे की दुनिया हमारी जीवन और दशा और दिशा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सॉफ्टवेयर तय करने वाला है। जो डाटा एनालिटिक को डाटा मिला और वही हमारा जीवन तय करेगा क्या? हमारा जो आत्मा है, हमारा जो शरीर है, हमारे जो इंटेलिजेंस है, ये क्या एआई के सामने नतमस्तक हो चुका है? आज जो सॉफ्टवेयर इसका जो टेबल बनाने में लिया गया है सहारा एआई का, डाटा एनालिटिक का, क्या वही रूल करेंगे पूरे राष्ट्र को? हम लोग जो आबादी है इतना, भारत की आबादी इतने हो चुकी है पढ़े लिखे लोगों की 140 करोड़, क्या ये सब बेकार है एआई के सामने? तो ये एआई की चूक है, आप सीधा कह सकते हैं ये एआई की चूक है। यहाँ एक्स को एक तरफ से निगेटिव वैल्यू दिया गया और यहाँ पॉजिटिव वैल्यू दिया गया। हम लोग आज हो क्या रहा, इतना ज्यादा निर्भर हो गए हैं एआई टूल्स पर, उसका खामियाजा हमें सहना पड़ रहा है। यहां यह देखा ही नहीं जा रहा कि बढ़ोतरी तो सबको होना चाहिए। ओआरओपी 3 के पीछे थीम क्या है? हमारी जीवन शैली जो हो उसमें सुधार हो, हमारा उत्थान हो हमारे जीवन का, और अल्टीमेटली राष्ट्र का होगा, हमारे परिवार का होगा, समाज का होगा, यही तो थीम है ओआरओपी का। तो आप निगेटिव वैल्यू यहां दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि डाटा एनालिटिक्स डाटा नहीं मिला तो माइनस में दे दिया। किसी ने मैनुअल इसे वेटिंग करने का कोशिश किया? किसी ने इसे मैनुअल प्रूफ रीडिंग करने का प्रयास किया? जो भी टेबल आया जेनरेट हो गया 121 टेबल, डीएसडब्ल्यू ने रिलीज कर दिया, पीसीडीए ने भी 677 सर्कुलर जेनरेट कर, क्या आदमियों के लिए है? क्या आदमी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए? क्या सिर्फ एआई रेगुलेट करेंगे पूरे वर्ल्ड को और पूरे इंडिया को? तो इसमें महान त्रुटि है, इन त्रुटियों को देखने की जरूरत। हाँ, आज के समय में हम टेक्नोलॉजी को, एआई को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन यह भी नहीं है कि उस पर ओवर रेटेड कर दें, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और उसके कारण कई लोगों को खामियाजा उठाना पड़े, जो कि यहां क्लियर कट दिख रहा है। अगर 24 ईयर्स में 2950 का इजाफा हो रहा है, जो कि पिछले पे कमीशन में इतना ही था, तो फिर 1250 ही क्यों है? इनको भी सेम प्रोपोर्शनल होना चाहिए था। इसमें तो सिंपल सी है कि जितना परसेंट बढ़ाना है तो मिनिमम सब में बढ़ना ही चाहिए। तो यहां आप देख लीजिए कि सूबेदार मेजर को बहुत ही ज्यादा खामियाजा सहना पड़ रहा है। इसके आगे आप देखिए और भी ज्यादा जो इस ब्रैकेट में जाएंगे 28.5, एक्स ग्रुप में मात्र 25 रुपीज का डिफरेंस हो रहे हैं। ये क्या है? माइनस 25 जा रहे हैं और फिर 29.5450 का हो रहा है। एक जो सूबेदार मेजर साहब अपने पूरे जीवन की आहुति कर देते हैं, अपने करियर की आहुति कर देते हैं, 28 साल 29 साल सर्विस देते हैं और उसके बाद उनको निगेटिव ग्रोथ दिया जा रहा है, जो कि उम्मीद लगा के कयास लगा के बैठे थे कि हमें ये करना है वो करना है। हालांकि ये सब अमाउंट आज के समय में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन कई लोग, हमें यह भी देखना है कि कई लोग का एकमात्र आय का साधन हो सकता है यही पेंशन, और वो अगर घटके हो तो उनके आशा पर कितना पानी फिरेगा, कितना खेद होगा, कितना दुख होगा, कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। आप सोशल मीडिया पर देख लीजिए कि कितना हमारे लोग फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनकी भाषा हम हर दिन पढ़ते हैं कमेंट में, कई लोग तो कुछ गजब ही कर देते हैं, अपनी मर्यादित भाषा को भी भूल जाते हैं, जो कि हमें नहीं भूलनी चाहिए। हमारे साथ अगर कुछ सही नहीं हुआ तो उसका एक तरीका है, लीगल रिकोर्स है, रिमेडियल एक्शन लेने के लिए है। हमारे पास ऑप्शंस ऑलवेज खुले रहते हैं, इनको लेना कि अपनी भाषा को अमर्यादित करके सब पर रखें, क्योंकि हमारी मर्यादित भाषा, हमारा आचरण, हमारा संस्कार, हमारा परिवेश, हमारा पालन पोषण का तरीका सब कुछ दिखाता है। तो हमें आगे का युद्ध जारी रखना है अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, अपनी आर्थिक स्थिति को बढ़ा
रखने के लिए, लेकिन एक मर्यादित तरीके से। निश्चित है ये एक डाटा एनालिटिक्स एआई की चूक है, और उस एआई को जिसने असाइन किया, जिस ऑथोरिटी ने, जिस व्यक्ति ने, जिस संस्था ने, वहां का चूक है। पर सबसे बड़ा चूक यह है कि उसे एज इट इज थ्रू कर दिया गया बगैर देखे हुए। तो यहां आप देख पा रहे होंगे इसी का नमूना है, 33 एंड अबव जो रिटायर होते हैं एमडब्ल्यू साहब एयरफोर्स के खासकर, तो उन्हें एक अच्छा खासा सम्मानजनक फिगर दिया गया है 2725, और वाई ग्रुप में यही चीज बहुत ही कम है, आधा से भी कम है, 11.75। हालांकि आर्मी के अधिकतम जो सूबेदार मेजर रिटायर होते हैं 32 में, 32.5 में ही, इससे ऊपर बहुत कम ही जा पाते होंगे, अपवाद होंगे, 5% से भी कम होंगे। तो यह तो है सूबेदार मेजर साहब की कहानी। इसके बाद हम सूबेदार मेजर एसीपी ए, एसीपी बी और इक्विवेलेंट है, यही लगभग यही कहानी इनके साथ भी दिख रहा है मुझे, और जो कि मैं इस टेबल में इतना विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसमें आने वाले काफी कम लोग होंगे। मेरा वीडियो एज इट इज काफी लंबा हुआ जा रहा, समय की कमी के कारण आपको सिर्फ समरी बता पा रहा हूं। यहां एसीपी वाले जो एसएम हैं इनमें भी लगभग वही चीज है जो कि पिछला था। यहां थोड़ा सा और भी आपको दुखी करने वाला होगा कि पूरा एक्स ग्रुप में निगेटिव वैल्यू जा रहा, हालांकि वाई ग्रुप में अच्छा खासा इन्हें मिला है। आप अगर इस ग्रुप में बिलोंग करते हैं, एसएम एसीपी ए बी मिला है, तो आप इस टेबल का स्नैप ले सकते हैं, आप अपने खुद के लिए आप उसको कंपेयर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस टेबल को ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत है, ये बिल्कुल ही उसी तरह से है जो कि सूबेदार मेजर का था। अगला रैंक जो कि बड़ा ही सम्मानजनक है, ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर और ऑनरी सूबेदार लेफ्टिनेंट बोलते हैं नेवी में, तो इनके लिए है। ये काफी मशक्कत के बाद मिलते हैं, 15 अगस्त को, 26 जनवरी को मिलते हैं। इनके पूरे अदम्य सर्विस जो होते हैं, आप बोल सकते हैं अद्भुत सर्विस इनके सचमुच होते हैं। हर रैंक को इन्होंने पार किया है, सारे कष्ट को पार किया है, संपूर्ण जीवन, जीवन का समझिए 2/3 तो इन्होंने आहुति दे दिया है राष्ट्र के लिए। यहाँ पहला टेबल जो देख रहे हैं, जो 10 साल तक दिखा रहा है, इनमें कोई ग्रुप नहीं होता, एक्स वाई नहीं होता, मर्ज हो जाते हैं ये लोग। 10 साल तक पूरा निगेटिव ग्रोथ है, तो ठीक है 10 साल तक कोई ऑनरी लेफ्टिनेंट बन नहीं पाएंगे, हम इसे इग्नोर करते हैं। अगला टेबल में चलते हैं 10.5 में, यहां भी लगभग निगेटिव वैल्यू ही है, 19 ईयर्स तक निगेटिव है, और उसके बाद 19.5 में 448 मिला है, 20 में 1024 मिला है, जो कि 20 ईयर सर्विस करके कोई ऑनरी लेफ्टिनेंट नहीं बनेंगे, ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर नहीं बनेंगे, इसलिए इस टेबल को भी हम इग्नोर करते हैं। अगला में चलते हैं, आर्मी में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कि युवा होते भी ऑनरी लेफ्टिनेंट बन जाते हैं, तो उन्हें यहां से फायदा मिलना शुरू हो गया है, यानी कि एआई को डाटा मिलना शुरू हो गया है 20.5 से, तो 1600 का इजाफा हुआ हुआ है। और वही देख लीजिए कि 25 में -300 हो गया, ऐसा डिप लिया है, कितना बड़ा एरर है। यानी कि 24.5 में जब गए हैं, इन्हें सैंपल मिला है, और जहां सैंपल नहीं मिला है वहां पूरा निगेटिव कर दिए। सैंपल मिलना ना मिलना ये एआई का, उस प्रोग्रामर का, उस सॉफ्टवेयर डेवलपर का, उस कंपनी का जरूरत हो सकता है, उस पेंशनर का जो उस पर आश्रित है, वो इससे प्रभावी हो, दुष्प्रभावी हो जाए, ये कहां का न्याय है। तो यहां क्लियर कट अन्याय दिख रहा कि आप ज्यादा सर्विस करके गए हैं तो आपको निगेटिव मिलेगा, यानी कि आप में बढ़ोतरी नहीं होगी। यहां आप देख पाएंगे आमूल चूल परिवर्तन जो है, जो 33 साल और उससे ज्यादा का, यहां काफी अच्छा बढ़ोतरी हुआ है। हालांकि आर्मी में 33 साल और उससे ज्यादा करके नहीं, 32 ही इनका कट ऑफ होता, अगर मैं बिल्कुल सही हूं तो, आप लोग हमसे बेहतर जज कर सकते हैं। तो 33 साल एंड अबव एयरफोर्स के जो भी ऑनरी फ्लाइंग ऑफिसर हैं उनके लिए बोनांजा कह सकते हैं, जहां की 4630 5100 और 32 से ऊपर, 32.5 और उससे ऊपर ही कह लीजिए, पूरे का हो रहा 4630। तो यहां काफी बेहतर इजाफा है, इन्हें सम्मानजनक अपने मेडिकल के लिए, ECHS के अलावे भी अपने पोते पोतियों के लिए बेहतर ध्यान रख सकते हैं, एक सम्मानजनक स्थिति रख सकते हैं और एक प्रेरणा के स्रोत बन सकते हैं उस युवा के लिए जो कि भारतीय सशस्त्र सेना में ज्वाइन हो और उसे लगे कि नहीं, हमें उस उच्च पद तक जाना है, HFO HFL तक जाना है, उसके लिए वो प्रेरित हो। तो यहां उनके पेमेंट, उनके रहन सहन की शैली, बात विचार की शैली दूसरे को प्रेरित करेगी। लेकिन वही जो आर्मी के हमारे फौजी बंधु हैं
अगर वो 28 से 30 तक में अगर बने हैं चीफ ऑनरी लेफ्टिनेंट, तो उनके लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। इनके लिए 31 साल के बाद शुरू हुआ है 1425। तो यहाँ भी आप विसंगतियाँ कह सकते हैं कि मात्र 31.5 साल का, यहाँ तक कि 32 साल का 1425 दे रहे हैं और 32 से ऊपर 51 दे रहे हैं, इतना ज़्यादा बदलाव। तो ये निश्चित कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन का कारण बन सकता है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं अगला टेबल में जाता हूं जो कि हमारे हाईएस्ट रैंक हैं, हमारे सशस्त्र सेना के जेसीओ रैंक में हाईएस्ट रैंक माने जाते हैं, ऑनरी कैप्टन, ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट या नेवी के ऑनरी लेफ्टिनेंट। बड़े ही मुशक्कत, अगर इन्होंने पहले एचएफओ बना, उसके बाद कोई 26 जनवरी 15 अगस्त आता है तब जाके इनको ऑटोमेटिक मॉडिफाई कर दिया जाता है, ऑनरी कैप्टन या ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट में प्रमोट कर दिया जाता है। तो ये बहुत ही महज संयोग होता है, बहुत ही बिरले ही लोग, बहुत कम लोग बन पाते हैं। अब यहाँ भी देख लीजिए कि जो एचएफओ के साथ हुआ वही एचएफएल के साथ भी यहाँ हो रहा, 10 साल तक कोई बढ़ोतरी नहीं, हम विचार नहीं करते हैं क्योंकि इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो रहे हैं कोई। यहाँ भी आप देख लीजिए कि 19.5 में 448 हुआ है, 20 में हुआ है थोड़ा सा बढ़ोतरी 1000 का लगभग, 1024 रुपया। और इसके बाद असली इजाफा 20 ईयर्स के बाद अगर कोई गए हैं, यहाँ भी ठीक वही कहानी है, 23 साल में जीरो है और उसके बाद आगे बढ़ रहे हैं। तो 29.5 यहाँ आप देख लीजिए कि 29 वाले को मिला है, लेकिन 29.5 वाले ने पता नहीं कौन सा पाप कर दिया, इसे नहीं मिला है। तो यहाँ आर्मी के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि इस ब्रैकेट में भी रिटायर हुए हैं। असली जो आप यहां देख पा रहे हैं कि 32 साल करके अगर कोई ऑनरी फ्लाइट लेफ्टिनेंट रिटायर हुए हैं, हालांकि फ्लाइट लेफ्टिनेंट के केस में नहीं, ऑनरी कैप्टन के लिए हो सकता है, जो कि अधिकतम है 32 साल में ये लोग रिटायर होते हैं ऑनरी कैप्टन बनके, तो यहां इनको इजाफा नहीं मिल रहा है। 1050 का डिग्रेड किया गया है, 32 एंड ऊपर इसके लिए फिर मिला है 2625 का 33, यानी कि 32.5 से ही कह लीजिए 2625 इनका बेसिक, 46300 यानी कि एयरफोर्स के जो एचएफएल हैं इनके लिए अच्छा बोनांजा कहा जा सकता है। 2625 सम्मानजनक जीवन जीने में इन्हें मदद मिलेगी, लेकिन उससे पहले जो आर्मी के लोग रहे यहाँ कहीं न कहीं मुझे लगता है कि न्यायपूर्ण टेबल नहीं है। अंतिम मैं अब इस वीडियो का हिस्सा में आ गया हूँ, कितना लंबा हो गया मुझे मालूम नहीं, लेकिन आप यह देख पाइए इस वीडियो का अंतिम हिस्सा में आ गया हूँ जो कि हमारे एक महत्वपूर्ण अंग है, विशेषकर एयरफोर्स में या नेवी में भी कुछ होते हैं, आर्मी में तो शायद नहीं होते हैं, एनसी, जो कि हमारे मुख्य कार्य को सपोर्ट करते हैं। कम्बटेंट नहीं है, लड़ाकू नहीं है, नहीं लड़ाकू होते हुए भी हमारे काफ़ी कार्यों को संभालते हैं, चाहे वो हाउसकीपिंग हो या एरिया क्लीनिंग हो, कई तरह की हमारी मदद करते हैं और तभी हमारा संस्था चल पाता है। उनके लिए भरपूर ध्यान रखा गया है इस ORP3 में, 6 महीना से ही लेकर सब में सीधा बढ़ोतरी दिख रहा, 3 डिजिट में अच्छा खासा बढ़ोतरी। हमारे कई एनसी बंधु पूछ रहे थे कि हमारे लिए सर हुआ है कि नहीं बताइए, तो आप एनसी महोदय जी यहाँ आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत भरपूर ध्यान रखा गया है, 6 महीना से कहीं कोई निगेटिव वैल्यू नहीं है। आप जिस ब्रैकेट में आते हैं उस स्लाइड का आप स्नैप ले लीजिए और अपने लिए दिखाइए, यही एक एनसी ऐसा रैंक यहाँ दिख रहा है। हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कम से कम हमारे एनसी बंधु को कहीं निगेटिव वैल्यू का सामना नहीं करना पड़ रहा, पूरा भरपूर मात्रा में 3 डिजिट और 14 के बाद देखिए 1005 और 20 साल के बाद 1209 रुपया। तो एक बेहतर जिंदगी, सुविधा से भरी हुई जिंदगी हो, खुशीपूर्वक हो, परिवार के साथ गुजर बसर अब कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़ावा दिया गया है। अगर 20 के बाद वो गए हैं तो 1000 रुपया है। एनसी मात्र ही एक रैंक ऐसा है जिसे देखकर अपना दिल खुश हो जाता है। खासकर आप देखिए यहाँ जो 29 ईयर्स करके एनसी करके गए हैं, एनसी में भी अलग अलग कई रैंक होते हैं, लेकिन यहाँ टिंडल और ये सब डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ एनसी रखा गया है, क्वालिफाइंग सर्विस दिया गया, इसमें कोई ग्रुप वगैरह होता नहीं चाहिए, इनमें भी इंटरनल प्रमोशन होते हैं। 29 के बाद देख लीजिए 2900 की बढ़ोतरी इन्हें की गई है, तो काफ़ी बेहतर है। यहाँ आप देख लीजिए कि अगर पूरे सर्विस सुपर एनुएट किए हैं 30 तो 2625 करके गए हैं, तो काफ़ी बेहतर है। इस तरह से मैं मानता हूँ कि आप सब ने मेरा साथ दिया, भरपूर साथ दिया, इस वीडियो को बड़ा ही धैर्यपूर्वक सुना, हम मुझे सहा, और अगर रत्ती भर भी
आपके जानकारी में यह लाभकारी हुआ हो तो जरूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करके पूछें, बताएं, ताकि इस सोशल मीडिया पर भी AI लगा हुआ है, इसे भी डाटा एनालिस्ट एनालाइज कर रहे हैं। आप देख ही रहोगे कि किस तरह से सरकार की मुहिम है सोशल मीडिया के जानकारी को लेना। तो ये भी जानकारी आप जो कमेंट दे रहे हैं, ये भी जानकारी कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जा रहा है और इस पर भी कार्रवाई होगा, सरकार इस फीडबैक पर काम करेगी। तो आपकी अगर कोई पॉइंट है, जेन्युइन पॉइंट है, आपके केस में कोई मेरिट है, तो अवश्य ही आप रखें, आप सकारात्मक होते हुए आप रखें, निश्चित है उस पर बेहतर सकारात्मक एक्शन भी लिया जाएगा। हम उम्मीद नहीं छोड़ सकते हैं, हमारी पूरी जिंदगी उम्मीद पर ही टिकी हुई है। और इसी तरह से आप सेहतमंद रहें, क्योंकि पेंशन पाने के लिए आपका सेहतमंद होना, आपका जीवन कायम रहना, यह प्रीरिक्विजिट है। लाइफ सर्टिफिकेट के बिना पेंशन नहीं चलता है। तो आपने अपने जीवन का बहुमूल्य समय हमारे साथ बिताया, इसके लिए हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलता हूं, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अवश्य ही सब्सक्राइब करें, ताकि लिविंग हैप्पीली भी एक लीडिंग चैनल बने आप फौजी बंधुओं को और बेहतर जानकारी मुहैया कराने में। हम फिर से आते हैं नए विषय पर और बेहतर रिसर्च के साथ। तब तक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।